जो है ये सरकारों की जिम्मेदारी है कि उसको कैसे खत्म किया जाए, सिर्फ एक दूसरे के सर पे या ब्लेमबाजी करके अपने राजनीतिक नफा और नुकसान को तोल के जो लाखों लोगों की जिंदगी जारी है उसके लिए सरकारों को जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी, चाहे वो पराली की बात हो चाहे जितने भी हमारे देश के राज्य अगल बगल में कहीं भी हैं। देखिए मैं तो हाथ जोड़ के बस सिर्फ गुजारिश कर सकता हूँ कि अगर पराली की वजह से ये पोल्यूशन हो रहा है जिससे हजारों लोग लाखों लोगों की जान खतरे में है दिल्ली के अंदर, तो मेरी सभी लोगों से पर्सनल गुजारिश है कि प्लीज़ पराली जलाना बंद करें। मैं उन लोगों से भी गुजारिश करूँगा कि जिनके घर में चार चार पाँच पाँच गाड़ियाँ हैं अगर वो एक गाड़ी से आना जाना करते हैं तो इसमें बहुत अच्छा लगेगा और इसमें पब्लिक सपोर्ट की जरूरत है, पब्लिक सहयोग की जरूरत है। बट जहाँ तक सरकारों का सवाल है, सरकारों को अपनी जिम्मेदारी समझनी चाहिए, एक दूसरे पर टोपी पहना के कभी पराली का नाम लेके कभी कोई और नाम लेके अपनी जिम्मेदारी से बच नहीं सकते। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो हजारों और लाखों लोगों की जान खतरे में है, लाखों बच्चों की जान खतरे में है और दिल्ली सरकार ने जो स्कूल में छुट्टियों का ऐलान किया है, छुट्टियां ऐलान करना कोई सलूशन नहीं है, इसका परमानेंट सलूशन निकालना पड़ेगा सरकारों को, चाहे वो सेंट्रल की सरकारें हो चाहे वो स्टेट की सरकारें हो। बट किसी को भी इस दुनिया में किसी को भी कोई हक नहीं है किसी बच्चे की ज़िंदगी खेलने का, किसी इंसान की ज़िंदगी से खेलने का। सरकारें बनती हैं लोगों की सुविधाओं के लिए, लोगों की जान माल की रक्षा करने के लिए सरकारें बनती हैं। और मैं तमाम उन लोगों से जो सरकारों में बैठे हैं या सरकारी अधिकारी हैं या सरकारों में कोई पद लेके बैठे हैं या चीफ मिनिस्टर जो भी हैं, मैं प्लीज उनसे हाथ जोड़ के गुजारिश करता हूँ, आप कुछ भी कीजिए बट इस पॉल्यूशन को ख़त्म कीजिए। देश में ये पॉल्यूशन जो एक बीमारी है, इससे लाखों तादाद में बच्चे मर रहे हैं, ये बिल्कुल भी टॉलरेबल नहीं है। मेरी आपसे गुजारिश है हाथ जोड़ के, और मैं सभी उन सामाजिक संगठनों से सभी उन परिवारों से गुजारिश करूँगा कि आइए मिलके इस पोल्यूशन की समस्या को ख़त्म करते हैं। आज 2 नवंबर है 2019, आज का जो पोल्यूशन लेवल है बिल्कुल आदमी को डेड करने के बराबर है। मैं तो कहता हूँ कि अगर इतना ही सब कुछ है तो मैं तो सरकार कहता हूँ आइए हमें जहर ही दे दीजिए, ये पोल्यूशन से क्यों मार रहे हैं, आइए जहर दे दीजिए हम लोग वैसे मर जाएंगे। तो प्लीज़ मेरी बात को अदरवाइज मत लीजिए, मैं हाथ जोड़ के आपसे विनती करता हूँ क्योंकि मेरे परिवार में भी डेथ हुई है ये पोल्यूशन की वजह से, और मैं इसको किस तरह से बर्दाश्त कर पा रहा हूँ मुझे खुद नहीं मालूम। और आज मैं परेशान हूँ कि सरकारें दुनिया भर की हम ये कर देंगे हम वो कर देंगे, बट जो एक्चुअल चीज़ें जो एक्चुअल मुद्दे हैं, चाहे वो बेरोजगारी हो चाहे वो अच्छा हेल्थ केयर हो चाहे वो अच्छी एजुकेशन हो चाहे ये पोल्यूशन की समस्या हो, इससे निजात पाने में बिल्कुल असफल रही है। और मैं आपसे दोबारा गुजारिश करता हूँ प्लीज़ इस पर आगे बढ़ें और किस तरह से इस पोल्यूशन को ख़त्म करना है इसमें आप लोगों का सहयोग चाहिए, और सरकारें अगर चाहें तो पोल्यूशन ख़त्म करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। जय हिंद जय भारत।